मधुपुर अनुमंडल के बुढ़ई थाना क्षेत्र के भिरखी बाद रोहिणी मुख्य मार्ग पर सरपत्ता जंगल के समीप चारों धाम तीर्थ के लिए निकली 53 तीर्थ यात्रियों से लदी एक बस असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक तीर्थ यात्री घायल हो गए, जिनमें महिलाएं व वृद्ध भी शामिल हैं। घायलों का इलाज देवघर में चल रहा है। घटना के संबंध में एक महिला तीर्थ यात्री ने बताया, देवघर में पूजा अर्चना के बाद सभी यात्री छत्तीसगढ़ लौट रहे थे, तभी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं तीर्थ यात्रियों ने झारखंड सरकार से मांग की है कि उन सभी को कुशल उनके राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। जी, हम लोग छत्तीसगढ़ से आए थे, चारों धाम की यात्रा कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग वैद्यनाथ बाबा के यहाँ आए थे, दर्शन किए, फिर हम लोग लौट रहे थे अपने घर वापस छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हम लोग का बस जो है पलट गया। हम लोग पूरे 53 लोग हैं और मैं प्रशासन से मदद मांग रही हूँ कि वो हमारी मदद करे। हमारी बस जो है पलट गई है, वो जाने के हालात में नहीं है, प्लीज वो हमारी मदद करें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।